हेलो प्रियन, एक बार फिर से आप सबका एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो इंडिया में टॉप बैंकों में से एक इंडोसेंट बैंक भी क्रेडिट कार्ड सेक्टर में काफी सारे अपने न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। और इंडोसेंट बैंक जो है पहले से ही लग्जरीज क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इंडोसेंट बैंक का प्लेटिनम ऑरा एज क्रेडिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसे क्या कुछ बेनिफिट्स है इंडोसेंट बैंक के प्लेटिनम ऑरा एज क्रेडिट कार्ड के। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन हाइलाइट्स बेनिफिट्स की, तो इसमें आपको कॉन्टैक्टलेस फीचर्स देखने को मिल जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड प्लान्स मिलते हैं। इसके साथ इसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलता है, जिसके तहत आप ईयरली जो है 2400 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस कार्ड का यूज करके आप डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी शॉपिंग, होटल एक्सपेंसेस और रेस्टोरेंट बिल्स पे करते हो तो उसके ऊपर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं पर 100 रुपीज स्पेंड करने पे। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलफोन बिल्स या फिर एयरलाइन टिकट्स बुक करते हो तो उसके ऊपर आपको 2.5% तक का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है पर 100 रुपीज स्पेंड करने पर। और आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेल टिकट बुकिंग करते हैं, मूवी टिकट बुकिंग करते हैं तो उन सभी स्पेंड्स के ऊपर आपको 1.5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा ऑल अदर आप जितनी भी स्पेंड्स करते हो उसके ऊपर आपको 0.5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना स्पेंड करने पर आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू की, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है 50 पैसे होती है। तो आपके पास में अगर 2 रिवॉर्ड पॉइंट है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास में 500 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाते हैं उसको आप रिडीम कर सकते हो, कोई भी चीजें आप परचेस कर सकते हो इनके खुद के साइट पे जाकर। इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ICICI लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंडोसेंट बैंक आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस्ट बैगेज में 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है, डिलेड बैगेज में 25,000 का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, और वहीं लॉस ऑफ पासपोर्ट में 50,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है, लॉस्ट टिकट में 25,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है और मिस्ड कनेक्शन में आपको 25,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको इंश्योरेंस कवर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास में इंडोसेंट बैंक का प्लेटिनम और एज क्रेडिट कार्ड है तो आपको इसका भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो आप एक ट्रैवलर है, फ्लाई यात्रा वगैरह आप काफी ज्यादा करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे इस क्रेडिट कार्ड के। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी एज जो है 21 से 65 के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हो। तो आप चाहो तो इंडोसेंट बैंक के ऑफिशियल साइट के ऊपर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट योर क्रेडिट कार्ड विद इन मिनट्स, यानी मिनट्स में आप अपने क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटली आप इसको ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हायर लिमिट्स मिलने के चांसेस है अगर आपका सिबिल अच्छा होता है तो। और इसी साथ बताया जा रहा है से गेट इंस्टेंट अप्रूवल, यानी आपका सिबिल वगैरह अच्छा है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिए हैं तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स डालने हैं। फर्स्ट आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, करंट पिन कोड एंटर कर देना है। और यहाँ पर जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है ये सारे प्रोसेस करने से पहले, वो सारी चीजें आप अपने पास रख लीजिएगा, जैसे कि प्लीज कीप योर आधार, पैन, एड्रेस एंड इनकम डिटेल्स हैंडी फॉर फास्टर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, यानी इन सभी चीजों को आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद में आपने यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को जैसे आप एंटर करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो वो सारी चीजें आप वहां पर फुलफिल कर दीजिएगा और जैसे आप एलिजिबल होते हो तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो वहां पर आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, उसमें से आप किसी भी एक क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप प्लेटिनम और एज क्रेडिट कार्ड को भी सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपकी फुल केवाईसी जो है वीडियो केवाईसी की हेल्प से हो जाएगी और आपका रिक्वेस्ट जो है इंडोसेंट बैंक के पास में चला जाएगा और आपको 24 आवर्स बाद में बता दिया जाएगा एग्जैक्टली से हाँ आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है और आपके पास में विद इन 7 या 10 डेज के अंदर में क्रेडिट कार्ड
मिल जाएगा। तो आप इस प्रोसेस के जरिए इंडोसेंट बैंक का प्लेटिनम और आयज क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। क्या बेनिफिट्स है, क्या चार्जेस है, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने ओपिनियन की। तो यहाँ पर देखिए एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही कोई एनुअल फीस है। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो और यूज कर सकते हो, और इसी के साथ आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपके लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर हम रेटिंग दें तो 5 से 4.5% का रेटिंग मेरी तरफ से इसको दिया जाता है। सो आई होप आज का ये रिव्यू वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।